हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं ये एमेलिस लिली के जो प्लांट होते हैं, जो बल्ब होते हैं, इस तरह के होते हैं। आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूं आपके पास और आपको बताऊंगी कि मैं ये कैसे लगते हैं और इसकी केयर के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। हालांकि अलग अलग कलर में आते हैं ये, तो मैंने आज इनको लिया था और ये मुझे मिल गए मेरे रिलेटिव के यहाँ लगे हुए थे, तो मैंने दो तीन निकाल लिए थे। काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में, एक देखो बेबी बल्ब है तो ये भी लगाऊंगी मैं। तो आज मैं इसी को लगाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए कि कैसे इसके बल्ब होते वो भी दिखाया जाए और लगाया जाए कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जो एमेलिस लिली जो प्लांट होता है दोस्तों, उसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है आप लोगों को, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, उसकी केयर बताई है और केयर कैसे करनी है वो भी सारी चीज़ें मैंने बताई है। इस समय फ्लावरिंग हो रही है वो भी मैंने आप लोगों को प्लांट में दिखाया था, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसका प्लांट। मैंने जो है उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास रेड वाला है और ये वाइट वाला है, इसमें जब भी फूल खिलेंगे वाइट कलर के फूल खिलेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों का बहुत सारी वैरायटी आती है, अलग अलग आती है कलर में। तो ये मैं वाइट लाई हूँ और फूल तो खिला नहीं था वैसे, वाइट समझ के मैंने तोड़ा है क्योंकि और सारे गमलों में तो वाइट ही लगा हुआ था, तो वाइट है ये बल्ब। तो वो इसके बारे में मैंने जो है आप लोगों को कुछ बातें भी बतानी थी, तो मैंने सोचा कि आज चलो इसके बल्ब भी दिखाते हैं और इसको लगाते भी हैं और कैसे लगाते हैं, कैसे जो है आपको नर्सरी से लेना है वो भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो एमेलिस लिली का जो प्लांट होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा होता है और मेरे पास जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को वो प्लांट दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि जो है कैसा होता है, बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो मैं चलिए पहले प्लांट आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास लगा हुआ है। तो ये देखिए एमेलिस लिली का ये प्लांट होता है जो मेरे पास रेड कलर वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जिसके बल्ब में लाई हूँ वो थोड़ा सा वाइट कलर में है, तो आज ये धूप में छूट गया था तो इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए ये धूप में रखने वाला नहीं होता है। और जब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है ना, तो थोड़ा सा इसको शेडी एरिया में रखना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा प्रूनिंग किया था और आज पूरा दिन तो नहीं कह सकते क्योंकि इस समय देखिए बदली बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सुबह मॉर्निंग की इसको सनलाइट हमें लगता 12 बजे तक वाली मिल गई है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं काट दूँगी। तो ये एमेलिस लिली का प्लांट है, इस समय इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। तो इसमें जो नीचे जो बल्ब होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, यही होता है ये देखिए ऊपर से। तो जब, और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, जब भी इसको नर्सरी से लेने जाएं तो कम से कम ऐसी कंडीशन हो, ऊपर से ग्रोथ चल रही हो इसकी, ऐसे बल्ब लेना चाहिए। और ऐसे जब बल्ब आप लेंगे तो उसको लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ना हो जैसे ये है। लग ये भी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा देर में लगते हैं, इसकी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा मुझे मिल गया, उखड़ गया था तो मैं ले आई थी। तो ये बल्ब होते हैं इसी तरह के, इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। तो मेरे पास रेड है और इसका वाइट ये वाला है, जब ये फूल देगा और इस साल तो ये ग्रोथ ही करेगा, अभी मैं लगा दूंगी, ये पॉट मैंने लिया है तो इसी में लगाऊंगी मैं। तो इस साल तो अगर फ्लावरिंग होगी तो मैं एक बार इस पर वीडियो फिर से बना दूंगी, आप लोग देखिएगा। और सच मायनों में इसका जो वाइट वाला फूल खिलता है बहुत ही प्यारा गाइस लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि ये रेड है और इसका जो वाइट है वो आप फोटो देख रहे होंगे, मैंने जो है आपको दिखाया है बगल में देख रहे होंगे, तो इस तरह का फूल खिलता है इसमें वाइट, ये वाइट वाला है और बहुत ही प्यारा है। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे लगाना है और कैसे क्या करना है इसमें और किन बातों का ध्यान रखना है इसको लगाते समय। तो एमेलिस लिली के जो बल्ब होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए अनियन, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि बिल्कुल अनियन के शेप के होते हैं, तो ये देखिए अनियन के शेप में है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऊपर से ग्रोथ करता है। तो ये पत्ते हटाने नहीं हैं आपको, ये वाला पत्ता मैं हटा दूँगी, इसको तोड़ दूँगी और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसे आपको लेना है नर्सरी में जब भी जाइए तो ये ग्रोथ ऊपर से शुरू हो रही हो ऐसे आपको लेना है।
और लाके जो है उसको, इसको अगर आप 2-3 दिन के लिए रख भी देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है कि तुरंत लगाने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं होती। आप हफ्ते भर ना लगाइए, 2 हफ्ते भी ना लगाइए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। जो मेरे पास पहले ये मुझे मिले थे तो मैं ये सोच रही थी, पहली बार जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा इसमें कौन सा फूल खिलता होगा, तब उसमें ऊपर से ग्रोथ नहीं हो रही थी, इतना सा मिला था मुझे, तो मैंने कहा ये होता क्या है, तो मैंने ऐसे ही जो है लगा दिया था गमले में। अब उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तो ये बल्ब भी ऐसे ही हैं, तो इसको लगाने आज मैंने सोचा कि मुझे दिख गए तो मैंने सोचा कि इसको ले चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, लगाना भी बताती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना भी था और इसके बल्ब दिखाने भी थे। तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में इस समय हैं, आप लोग देख सकते हैं। और नर्सरी से मैंने अभी इसको लिया नहीं है, तो प्राइस का मुझे पता नहीं है कितने के मिलते हैं। और ये मुझे मेरे रिलेशन में, मैं गई थी आज तो वहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने जो है 2-3 ले लिया था। तो ये वाइट वाला है और इसका प्राइस मुझे अंदाज़ा नहीं है कि नर्सरी में कितने का मिलता है, लेकिन मैं पता करूँगी कितने का मिलता है। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं आता होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि और प्लांट तो बहुत सारे महंगे आते हैं, हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन जो है आप अगर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो एक ही ले आइए और एक लगा देंगे, एक से भी बहुत सारी ग्रोथ होती है, क्योंकि यहीं से जो है इसकी जड़ों से ही नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं और अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैं अभी इसको लगा दूंगी तो मैं 3 नहीं लगाऊंगी इसमें, मैं सोच रही हूँ 2 लगा दूं, क्योंकि जो है ये मेरे पास 3 बड़े हैं, 1 बेबी है, तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। इसके लिए जो मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ, वो मिट्टी मैंने पहले आप लोगों को तैयार करना बताया है, इसमें देखिए राइस खैस के गोबर की खाद है, बालू मिट्टी है और अपने गार्डन की सॉइल है, और थोड़ा सा जो है गोबर की खाद ये रखी हुई है, तो ऊपर से भी डाल देंगे, इस तरह से डाल सकते हैं आप लोग, तो इस तरह से हल्की सी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो सारे इसमें बल्ब आएंगे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं पॉट और भी लाती हूँ, तो चलिए पॉट लाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये 4 पॉट मैंने ले लिया है और 4 पॉट में मैंने मिट्टी भी डाल दिया है हल्की हल्की, इसमें क्या करेंगे गोबर की जो खाद है वो हल्का हल्का सा डाल देंगे, और मिट्टी जब पानी डालेंगे तो नीचे बैठेगी। अभी तो इसमें मिलाया क्या है मैंने आपको मालूम ही है, क्योंकि मिट्टी बनाना मैंने पहले भी बताया है, हर बार मिट्टी बनानी ना पड़े इसलिए मैंने बना के बहुत सारी रख लिया था, तो इसी में मैं लगाऊंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने क्या क्या मिलाया है इसमें, अपने गार्डन की सॉइल है 1 भाग बालू मिट्टी है, 1 भाग गोबर की खाद है, 1 भाग इसमें जो है मतलब जो है वो गार्डन सॉइल है और बालू मिट्टी है, गोबर की खाद है, राइस खस के, तो इन्हीं 4 चीज़ों में मैं इसको लगाऊंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे लगाना है आपको। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बदली टाइप में है ये देखिए, तो थोड़ा सा वीडियो शायद अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, साफ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं कोशिश कर रही हूँ कि साफ दिखे आप लोगों को। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। और ये आप सोच रहे होंगे कि कटा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पाने की वजह से थोड़ा सा नीचे से गल रहा था इस तरह से, ये देखिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा चाकू से काट दिया है, ये जैसे ख़राब होता है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर आप काट भी देंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरा ना ख़राब हो, क्योंकि ये बल्ब ज़्यादा ओवर वाटरिंग से गलते भी बहुत जल्दी हैं, तो हल्का हल्का सा काट देंगे इस तरह से, इस तरह से कर देंगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तब भी ग्रोथ करेगा। तो इसको लगाना कैसे है आपको, मिट्टी भर लेनी है पॉट में, जो भी पॉट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी लीजिए पॉट, गमला ले लीजिए या पॉट ले लीजिए छोटा, आपके पास नहीं है तो जिस तरह मैंने लिया है आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मिट्टी मुझे कम करना है, तो मिट्टी निकाल देंगे हल्का सा इसमें, क्योंकि ऊपर तक ज़्यादा मिट्टी भर गई है। और ड्रेनिंग सिस्टम का ध्यान रखना है आपको, पानी का ध्यान रखना है, और इसको लगा के आप फुल सनलाइट में भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि इसमें रूट्स होती हैं और हल्की हल्की सनलाइट में इसको रखा जाता है। तो इस तरह बिठा देंगे इसको और इसके चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे इस तरह से, ये वाला भाग इतना आपको ऊपर का निकालना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक पूरा मिट्टी भर दीजिए, यहाँ तक नहीं भरना है,
यहीं तक भरना है, इसके पूरा बल्ब अंदर मिट्टी के दबा देना है इस तरह से। मैं इसलिए इसको लगा रही हूँ ऐसे एक एक, क्योंकि जो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती, इस समय इसका सीजन चल रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी पॉट ले थोड़ा गहराई वाला ले, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे जाती हैं, नीचे साइड पे निकलती हैं, फैलती नहीं हैं, नीचे साइड पे निकलती हैं और गहराई में जाती हैं। तो जब भी गमला इसके लिए आप लोग लें तो थोड़ा गहराई वाला लें ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे जाएँ। तो ये वाला हो गया है, मिट्टी कम लगे तो आप लोग डाल सकते हैं दोबारा इसमें, ना ही तो कोई रूटीन हार्मोन्स पाउडर की ज़रूरत है और ना ही कोई फंगीसाइड की ज़रूरत है। ये है कि आप लोग अगर पानी दे रहे हैं पहली बार लगा के तो थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला दीजिए और फिर उसको पानी दे दीजिए। तो ये लग गया, अब मैं दूसरा भी लगाती हूँ इसी तरह। तो इसमें भी मिट्टी थोड़ी सी कम करेंगे इसी तरह, इस तरह से मिट्टी कम कर लेंगे और ये वाला बिठा देंगे इसमें, ऐसे बिठा देंगे और चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे इसको। इतना आपको याद रखना है कि ये जो स्प्राउट इसका निकल रहा है ये बाहर हो, इसमें मिट्टी नीचे ना जाए, मतलब मिट्टी के अंदर ना जाए। यहाँ से अगर आप दबा देंगे तो ये वाला भाग पोर्शन गलने लगेगा ज़्यादा पानी की वजह से। तो ये वाला भी मैंने लगा दिया इसी तरह। इसी तरह आपको सारे लगा देने हैं जितने भी आपके पास हैं। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने चारों लगा दिया है और पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि पानी हल्का सा मॉइस्चर इसमें जो है बना हुआ है। तो अभी आज पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। अगर ये जड़ें इसकी जो बल्ब है वो अगर पानी में रहेगा ज़्यादा तो वो बहुत जल्दी गलता है, इसलिए पानी आपको बहुत कम ही डालना है। अभी मैं पानी इसमें नहीं दूंगी, कल मॉर्निंग में या शाम को पानी दूंगी। तो इसी तरह आप लोगों को बल्ब लगाने हैं जो भी जितने भी लाएंगे अलग अलग। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी हो और इसको स्पेस भी मिले और अच्छे से सेट भी हो जाए। तो इस तरह आप लोगों को सेट करना है, आप लोग इसी तरह लगा सकते हैं। तो मैंने चारों लगा दिया, आप लोग देख सकते होंगे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसमें फूल भी अलग खिलेंगे और प्लांट भी बहुत अच्छा है। इसका रेड तो मेरे पास है ये वाला, और ये वाला वाइट है। तो जब भी ग्रोथ होगी दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसके बल्ब ऐसे ही लगाने हैं, ध्यान रखने वाली बातें ये हैं आपके, मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट टिप्स मान लीजिए। तो सबसे पहली बात ये है, आपको इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। जहाँ पे 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसको मॉर्निंग वाली मिलती है या शाम वाली मिलती, ऐसी जगह रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। पानी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप दे सकते हैं, मतलब हफ्ते में कम से कम 3 ही बार पानी इसको 2 बार या 3 बार दीजिए। बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में भी इसको नहीं रखना है, जहाँ पे सनलाइट इसको 2 से 3 घंटे की मिले वहाँ पे रखना है आपको। मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन हो, मिट्टी में पानी हमेशा रुका नहीं होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर हो लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइज़र आपको अभी नहीं देना है, जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं और थोड़ा सा पोटाश भी दे सकते हैं, DAP भी डाल सकते हैं इसमें। और ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है और बाकी बहुत कम केयर में ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बिल्कुल आपको केयर नहीं करनी बहुत ज़्यादा, बस पानी का ध्यान रखना, आपको पानी इसमें बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। और जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन हो, पॉट आप छोटा ले या बड़ा ले, लेकिन गहरान वाला ले, थोड़ा नीचे को गहरान हो वो वाला पॉट आपको लेना है। तो इस तरह से आप जो है MLS लिली का जो बल्ब होते हैं वो लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।